प्रीमियर लीग के हवाले से इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजेज ने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जुनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों को इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने के लिए 5 मिलियन पाउंड्स के मुआहदों की पेशकश कर दी है। फ्रेंचाइज मालिकान ने साल भर लीग खेलने के लिए दस्तयाबी मुमकिन बनाने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को ये पेशकश की। अब ये माशाल्लाह हमारे जो घंटे हैं, हमारे जो पीसीबी है, रुपया इनके पास आपको बता के एक भी नहीं है। बातें ये करोड़ों की करती है, दुकान इनकी करोड़ों की है। अब बाद में आपको बताता हूँ बात अब हो गया। जब इंग्लैंड के प्लेयर्स उनसे 50 करोड़ लेके जो आईपीएल की फ्रेंचाइजीज है उन्होंने जो है इंग्लैंड के कुछ मैन खिलाड़ियों को ऑफर की है। कितनी ऑफर? 50 मिलियन पाउंड्स की। क्या आपको हम जो सालाना 50 मिलियन पाउंड्स देंगे और आप जो हमारे साथ सालाना कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और जब भी हमारी कोई लीग होगी, चाहे वो कहीं भी हमारी टीम है, क्योंकि इन ऑनर्स की बहुत सारी लीग्स में टीमें हैं, ठीक है, आप वो खेलोगे और अपना जो इनकी आपकी इंटरनेशनल ड्यूटी होगी, आपकी जो नेशनल ड्यूटी होगी उसको आप जो छोड़ दोगे। दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड कौन है? दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे किस बोर्ड के पास है? वो बीसीसीआई के पास है। तो बाजार वो अपना फायदा सोचेंगे। ये हट करेगी पीएसएल को, और पीएसएल में आपको पता है कि अगर कोई इस तरह के प्लेयर ना खेले आगे टट्टी लीग है, और टट्टी लीग हो जाएगी, मतलब आगे कोई नहीं देखता। फिर जो कुछ एक दो क्वालिटी प्लेयर आते हैं वो भी नहीं आएंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि भाईजान ये बात मैं कब से बकवास कर रहा था बैठ के, कि पीसीबी को चाहिए कि पैसे बढ़ा दे, पैसे बढ़ा दे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। दोस्तों, यदि भिखारिस्तान की बात किया जाए तो उसका बाप एक ही है और वो है भारत। वहीं क्रिकेट के बाप की बात किया जाए तो इस समय बीसीसीआई क्रिकेट का बाप बन चुका है। इस समय बीसीसीआई जैसा चाह रहा है वैसा ही कर रहा है और आईसीसी भी उसके सामने कुछ नहीं कर पा रही है। अब पाकिस्तानी मीडिया ये कहकर रोना धोना शुरू कर दी है कि बीसीसीआई सभी देशों के खिलाड़ी जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज जैसे देशों के खिलाड़ियों को अपने यहाँ क्रिकेट छोड़ने के लिए 50-50, 60-60 करोड़ रुपए दे रही है। बीसीसीआई उनसे कह रही है कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए ले लो, लेकिन अपने यहाँ क्रिकेट छोड़कर हमारे लीग्स के लिए खेलो। और कोई भी खिलाड़ी ऐसा करने में नहीं चूकेगा, क्योंकि इंग्लैंड जैसे देश जितने पैसे अपने खिलाड़ियों को 10 से 15 साल में देते हैं, उतने पैसे तो बीसीसीआई 6 महीने खेलने की दे रही है। तो दोस्तों, इसको देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया रोना रो रही है कि भारत अब क्रिकेट को ही बंद कर देगा। यानी कि जब भी हमारी लीग्स के मैचेस होंगे पूरे साल में, आप जो है अपने टीम के साथ नहीं खेलोगे, यानी कि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करोगे अपना जो नेशनल होगा, यानी कि जो आप इंग्लैंड की टीम से खेलोगे, तो यानी कि आप हमारे साथ लीग्स में खेलोगे। जिसके बाद अगर देखा जाए तो जनाबे वाला और इंग्लिश मीडिया ने रोना धोना शुरू कर दिया है और बड़ी चीजें उनकी निकल रही है। मैंने कल ही आपको बोला था कि ये जो ऑफर है इसने उनके पांव के नीचे से जमीन जो है वो छीन लिया है, खींच लिया है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जब आपके मेन खिलाड़ी बटलर हो गए, सैम करन हो गए, या फिर जो है वो बैरिस्टो हो गए, मार्क वुड हो गए, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे इंग्लैंड का, और वो आईपीएल का या बाकी लीग्स का करेंगे, इंग्लैंड की जन्म से खेलेंगे ही नहीं बड़े मैचेस में, तो टीम तो टूट जाएगी। तो अब उनकी चीखें निकल के आई और वो बीसीसीआई को और आईपीएल, ये एक रियलिटी है और इसको एक्सेप्ट करो। हर बंदा यार अपना फायदा सोचेगा कि मैं किधर सिक्योर ज्यादा हूं, मुझे किधर ज्यादा फायदा हासिल हो रहा है, मैं क्या करके। अब इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं जिनमें बेन स्टोक्स आ जाता है, बटलर आ जाता है, आपके पास आर्चर आ जाता है, आपके पास हैरी ब्रोक, लियाम लिविंगस्टन, इंग्लैंड के जितने भी ये प्लेयर, अगर उनसे 50 करोड़ लेते हैं और उनसे वो अपने मुल्क की तरफ से क्रिकेट नहीं खेलते, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हिस्सा वापिस ले लेते हैं, जिस तरह आपको पता है कि ट्रेंट बोल्ट ने न्यूजीलैंड की जानिब से लिया था कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने छोड़ दिया था, जेमी निशम ने छोड़ दिया था कि जी हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ रहे हैं, जब लीग होगी हम लीग्स खेलेंगे, हम अपने मुल्क की जानिब से क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो इससे पीएसएल हर्ट होगी, इससे पाकिस्तान क्रिकेट हर्ट होगी, क्योंकि पाकिस्तान के घंटों को तो आईपीएल खिलाया नहीं ना जाता, पाकिस्तान के घंटों को तो आईपीएल खिलाया नहीं जाता, वो तो आईपीएल खेलते नहीं है। पैसे होगी वैसे ही हमारे पास भूख है, और जब वो प्लेयर ले जाएंगे तो वैसे ही हमारे पास भूख ज्यादा रह जाएगी। पाकिस्तान हमारी टीम अभी न्यूजीलैंड की सी के डी टीम के साथ क्रिकेट खेल रही है, अभी मैच लगा हुआ है दूसरा वनडे, और तो रहे हैं न्यूजीलैंड वाले हमें। मतलब हमारी क्रिकेट का ये लेवल है कि हम बी सी टीम से भी नहीं जीत पा रहे, ऊपर से ए टीम को तो वो भेजते नहीं है। सर, ए टीम हमारे आगे वैसे भी नहीं खेलने आती, क्योंकि ए टीम जब हमारे पास आती है ना खेलने, तो इंग्लैंड हमें 3-0 मार के जाता है, ऑस्ट्रेलिया हमें हरा के जाता है अपने घर में,
उसके बाद जिम्बाब्वे हमें वर्ल्ड कप में फेंकता है, तो ये हमारी औकात है, आप अंदाजा लगा लो। पीसीबी है ये नजम सेठी गंजे को, मैं एक बात बताना चाहता हूं, तुम्हें नहीं पता हो क्या रहा वर्ल्ड क्रिकेट में भाई जान, 1 से 2 साल में आप देख लेना अगर पाकिस्तान क्रिकेट जमीन पर ना पड़ी हुई तो फिर क्या ना, क्योंकि ये जो सियासतें चल रही है ना कि जी इसको खिला लो इसको कर लो, ये दोस्ती यारियां चल रही हैं, क्रिकेट की तरफ फोकस है ही नहीं करना, अगर ग्राउंडों में शादी वाली कुर्सी पे मैचेस दिखाए जा रहे हैं, तमाशबीनियां उन्होंने लगाई हुई हैं, तो ये जब तक आप ये वाली चीजें करते रहोगे, जब तक आप ये वाली तमाशबीनियां करते रहोगे, तो क्रिकेट आपने कब बेहतर करनी है, क्रिकेट आपने कब बेहतर करनी है, आप इंडिया की क्रिकेट देख लो वो किधर जा चुकी है, आप बीसीआई को देख लो कि वो इंग्लैंड के प्लेयर्स को आईपीएल ओनर्स जो है वो ऑफर कर रहे हैं कि आप हमारे पास आ जाओ, हम आपको 50-60 करोड़ रुपया देते हैं, आप हमारे पास क्रिकेट खेलो, पूरा अपने मुल्क को, और वो ऐसा करेंगे, उनको पता है कि जितने पैसे इधर से मिलने हैं उतने पैसे उधर से नहीं मिलने, पीएसएल में 50-60 लाख मिलता है, 50-60 लाख को तो वो इस तरह से ठुडा मार के साइड में कर देंगे कि जहां में 50 करोड़ मिल रहा है, जहां में पाकिस्तानी 170-180 करोड़ मिल रहा है, वहां पाकिस्तानी 50-60 लाख लेके हम क्या करेंगे, तो वो पीएसएल को तो पुर कराएंगे, जब जाहिर सी बात है जब वो पीएसएल को पुर कराएंगे, जब पाकिस्तान इंग्लैंड के मैचेस होंगे वो पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज को पुर कराएंगे, उसके बाद अगर इंग्लैंड के प्लेयर्स को ये ऑफर कर सकते हैं तो साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स को भी ऑफर कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को भी ऑफर कर सकते हैं, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को भी ऑफर कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये सारे प्लेयर फिर पीएसएल भी खेलने नहीं आएंगे, ये सारे प्लेयर पीएसएल भी खेलने नहीं आएंगे, ये सारे प्लेयर भी पाकिस्तान से क्रिकेट भी नहीं खेलेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान के क्रिकेट का बेड़ा गर्क होता हुआ नजर आ रहा है, पहले बेड़ा गर्क खुद भी कर रहे हैं और बेड़ा गर्क ये करवा भी रहे हैं, बाकी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मुझे तो हालात नाजक लग रहे हैं, पाकिस्तान के वैसे भी न्यूजीलैंड की बी टीम पहली जा रही है और उन्होंने वैसे भी T20 सीरीज में पहला है, तो अंदाजा लगा लो घंटा कप्तान है, घंटा वैसे भी मनहूसा मुझे लगता है, बाकी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें सब्सक्राइब करें, हमसे मिलता हूं नेक्स्ट, बहुत ज्यादा रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार सब्सक्राइब। आपके खिलाड़ी लालच में आके पैसे की ऑफर को कबूल कर लेते हैं, इसमें किसी फ्रेंचाइज की क्या गलती है, वो तो बिजनेस कर रहे हैं, इसमें बीसीसीआई की क्या गलती है, आपका काम बनता है अपने अपने खिलाड़ियों को लगाम दिया, अब उनकी मर्जी है ना, आप देखें कि ये बटलर की मर्जी है, सैम करन की मर्जी है कि वो 50 करोड़ जो है वो 50 मिलियन पाउंड जो है उसे आप जो है वो ठुकरा दे, भाई हमने ये लेना ही नहीं है, हमने लेना ही नहीं है, आपने अपनी नेशनल ड्यूटी करनी है, या आप उनकी सैलरीज बढ़ा दें, तो उनको कोई जबरदस्ती छीन के तो नहीं लाता ना, तो जबरदस्ती तो उन्हें खींच के हम नहीं लाएंगे कि यार आप लीग खेलो, आप अपनी टीम को छोड़ दो, ये एक ऑफर है यार, ये एक सिर्फ एक ऑफर है, अब कोई कबूल करे ना करे, जो लालची खिलाड़ी होगा जिसे पैसा ही सब कुछ होगा जिसके लिए, वो कबूल कर लेगा, जिसके लिए अपना कंट्री पहले होगा वो नहीं कबूल करेगा, आप देखे इंग्लैंड वाले हो गए वो इंडिया के किसी खिलाड़ी को ऑफर देके। दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया रो रही है बीसीसीआई के खिलाफ, दोस्तों यदि देखा जाए तो बीसीसीआई इसमें पानी से भी तेज पैसे बहा रही है, इसीलिए तो कहा जा रहा है कि बीसीसीआई इसमें क्रिकेट का यूनिवर्स बन चुकी है। दोस्तों किसी भी देश के खिलाड़ियों को ऐसे पैसे बहाकर खरीदना कोई आम बात नहीं है कि वो अपने देश के लिए खेलना छोड़कर हमारे लीग्स के लिए खेलें, लेकिन इस समय बीसीसीआई के पास इतना पैसा हो गया है कि वो जैसा चाह रही है वैसा कर रही है, जिसको देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया रो रही है कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट का नाम ही नहीं रह जाएगा, सभी खिलाड़ी सिर्फ लीग्स ही खेलेंगे, और कुछ दिन बाद तो क्रिकेट पर पूरी तरीके से कब्जा बीसीसीआई का हो जाएगा, जिस तरीके से वो पैसा खर्च कर रही और उसके पास पैसा है, और हमारे जैसे देश में तो पैसे ही नहीं है, हम लोग सही से पीएसएल नहीं करा पा रहे हैं, और वो लोग आईपीएल में इतने महंगे महंगे खिलाड़ी खरीदते हैं, और उसके बाद तो अब 50-50 करोड़ रुपये एक एक खिलाड़ियों को देने लगे हैं। दोस्तों ये भिखारिस्तान जो बहुत फुदुकता हुआ घूमता है, इसकी औकात ही क्या है, ये जो अपने खिलाड़ियों को पेमेंट देता है वो भी भारत से ही जाता है, क्योंकि आईसीसी को लगभग 80% पैसे तो भारत अकेले ही देता है, जो सभी कंट्रियों में डिस्प्यूट होता है उसी तरीके से कुछ पैसे पाकिस्तान के पास पहुंचते हैं, जो पैसे पाकिस्तान अपने खिलाड़ियों को देता है, जो देश अकेले ही इतना पैसा बोर्ड को दे रहा है आईसीसी को दे रहा है, तो उसका तो जो चाहेगा वैसा करेगा ही, और उसी तरीके से भारत इस समय क्रिकेट का यूनिवर्स बन चुका है और अपने हिसाब से सभी खिलाड़ियों को भी नचा रहा है। दोस्तों आप लोग बीसीसीआई और आईपीएल फ्रेंचाइजीज के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।